हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़ाई से जुड़ी बहुत सी अमेजिंग वीडियो लाते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे महान सम्राट अकबर के बारे में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकबर का नाम यानी कि पूरा नाम फुल नेम अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में। इनके पिता का नाम है हुमायूं। इनके माता जी का नाम है हमीदा बानो। अकबर की पत्नियां जोधाबाई, रुकैया बेगम, सलीमा सुल्तान, मरियम उमानी। इनके एक ही पुत्र है जहांगीर यानी कि सलीम। अकबर का प्रारंभिक जीवन। अकबर हुमायूं के बेटे थे, जिन्होंने पहले से ही मुगल साम्राज्य पर भारत में विस्तार कर रखा था। 1539 से 40 में चौसा और कन्नौज में होने वाले शेरशाह सूरी से युद्ध में पराजित होने के बाद मुगल सम्राट हुमायूं पश्चिम की ओर गए, जहां सिंध में उनकी मुलाकात 14 साल की हमीदा बानू बेगम, जो सैफ अली अकबर की बेटी थी, उन्होंने उनसे शादी कर ली और अगले साल ही जलालुद्दीन मोहम्मद का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत घराने के सिंध के अमरकोट में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है, जहां उनके माता पिता को वहां के स्थानिक हिंदू राणा प्रसाद ने आश्रय दिया था। और मुगल शासक हुमायूं के लंबे समय के वनवास के बाद अकबर अपने पूरे परिवार के साथ काबुल स्थापित हो गए, जहां उनके चाचा कामरान मिर्जा और अस्कारी मिर्जा रहते थे। उन्होंने अपनी पुरानी जवानी शिकार करने में, युद्ध कला सीखने में, लड़ने में, भागने में व्यतीत की, जिसने उसे एक शक्तिशाली, निडर और बहादुर योद्धा बनाया। लेकिन अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी लिखना या पढ़ना नहीं सीखा था। शेरशाह सूरी से पहली बार पराजित होने के बाद हुमायूं ने दिल्ली को 1555 में पुनर्स्थापित किया और वहां उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया। और इसके बाद कुछ ही महीने बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर को एक सफल शक्तिशाली बादशाह बनाने के लिए अकबर के रक्षक ने उनसे उनके पिता की मृत्यु के बाद छुपाई और अंत में 14 फरवरी 1556 को सिकंदर शाह को पराजित कर अकबर युद्ध में सफल हुए और वहीं से उन्हें मुगल सम्राट का विस्तार शुरू किया। कलानौर पंजाब में बेरम खान द्वारा 13 साल के अकबर को वहां की राजगद्दी सौंपी गई, ताकि वे अपने लिए एक नया विशाल सम्राट स्थापित कर सके, जहां उन्हें शहंशाह का नाम दिया गया। बेरम खान ने हमेशा अकबर का साथ दिया। इनकी मृत्यु कब हुई? 3 अक्टूबर 1605 अकबर को पेचिस की बीमारी हुई, जिससे वे कभी ठीक नहीं हो पाए। उनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई। उसके बाद आगरा में उन्हें समाधि बना दी गई। अकबर मुगल साम्राज्य के महान और बहादुर सम्राटों में से एक है। उन्होंने कभी मुस्लिम और हिंदू दो धर्मों से भेदभाव नहीं किया और अपने साम्राज्य में सभी को एक जैसा समझकर सभी को समान सुविधाएं प्रदान की। इतिहास में झांक कर देखा जाए तो योद्धा अकबर की प्रेम कहानी विश्व प्रसिद्ध दिखाई देती है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी प्रजा के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी और वे भी सदैव अपनी प्रजा को हो रहे तकलीफों से वाकिफ होकर उनसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करते थे। इसीलिए इतिहास में शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को एक बहादुर, बुद्धिमान और शक्तिशाली शहनशाह माने जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी और राजा, किसी और बादशाह के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कुछ ही घंटों में उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।